केंद्र सरकार के द्वारा जनता के लिए पेश किए गए बजट को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निराधार मानते हैं। दरअसल हेमंत सोरेन एक कार्यक्रम में दुमका पहुंचे थे, जहां उन्हें हेलीपैड पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करने के दौरान कहा कि केंद्र सरकार जनता के हितों को दरकिनार करते हुए बजट लाई है। इस बजट से जनता का तनिक भी भला नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बजट पेश करने से पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, लेकिन गरीबों के लिए चलाई गई योजना में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। आत्मनिर्भर भारत नहीं, अब तो आत्म बेचो भारत बन गया है। हाँ, देखिए, बजट में जो मुझे पता चला है कि अब नौकरी पेशा वालों को भी खैर नहीं, अब डिविडेंड में भी शायद हिस्सेदारी सरकार लेने की तैयारी कर रखी है। पेट्रोल डीजल में तो सेस बढ़ ही गया, 4 रुपए तक बढ़ गए। गरीबों का जो मनरेगा है उसमें तो कोई बदलाव नहीं। आत्मनिर्भर भारत, इतनी बार बोला गया है कि अब वो आत्म बेचो भारत सा हो गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना स्थापना दिवस 2 फरवरी को मनाने जा रही है, लेकिन इस बार पार्टी की ओर से पूरे संथाल परगना के 6 जिलों में धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस बाबत देवघर जिले में चल रही तैयारियों का जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, सचिव, युवा अध्यक्ष ने आर मित्रा स्कूल में बन रहे पंडाल का मुआयना किया। बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा, गाजे बाजे के साथ पूरे जिले से लोगों का जुटान होगा। समारोह पूर्वक आयोजित कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धि को जनता के सामने रखा जाएगा। देवघर से अवनीश। 42वां स्थापना दिवस झारखंड मुक्ति मोर्चा का देवघर जिला में हम लोग मनाने जा रहे हैं। पहले जो है दुमका के गांधी मैदान में हम लोग लाखों की संख्या में भीड़ जुटते थे, लेकिन कोविड महामारी के चलते जो है यह संभव नहीं हो पाया। हम लोग जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं और सभी जिला में अलग अलग ढंग से कार्यकर्ता सम्मेलन का ही जो है कि आयोजन किया जा रहा है। कार्यकर्ता लोग यहाँ पर जुटेंगे और वो अपनी बातों को सुनेंगे, हमारे नेताओं का जो है कि बात सुनेंगे, हमारा विकास का क्या मोटिव है यह है वो सारा चीज़ यहाँ पर तय होगा। गरीब गुरबा जो दूर में बसे हुए हैं उनका हम लोग काम कराने का काम करेंगे। धन्यवाद। जो तैयारी की जा रही है उसके बारे में कुछ बताइए। झारखंड मुक्ति मोर्चा देवघर जिला का समिति, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष हैं। काल का जो कार्यक्रम है, हम लोग दो गाइडलाइन मिला है देवघर जिला में, भव्य रूप से हम लोग कार्यक्रम काल करेंगे। और इसमें सबसे खुशी इस बात का है कि देवघर जिला में मनाने का बहुत बड़ा सहयोग मिल गया। हम लोग तो पहले भी चाहते थे, इसलिए इस बार हमको मिला और भव्य रूप से हम लोग काल मनाएंगे स्थापना दिवस। हेमंत बाबू के लिए जो हम लोग को लिए यहाँ कोटा दिया, गाइडलाइन दिया, इसके लिए हेमंत बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और हम चाहेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा देवघर में क्या है, कल आपको इसका भव्य रूप से देखने को मिलेगा। एंटी के चलते देवघर जिला में हो रही है, क्योंकि ये हर वर्ष हम लोग का दुमका में होता था, लेकिन इस बार जो हो रहा है झारखंड दिवस यहाँ, ये हम लोग का झारखंड अलग होने के पहले होता था, अप्रैल में होता था, ये बात की पुनरावृत्ति होती है। इससे बहुत आज हम लोग को खुशी हो रही है कि जिलावासी को कि आज स्थापना दिवस देवघर जिला में 2 फरवरी को हो रही है। इसके लिए सभी को आमंत्रण है और हार्दिक अभिनंदन है। संतोष सिंह, जिला उपाध्यक्ष देवघर। जो तैयारी की जा रही है किस तरह की जा रही है? मैं श्री सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति सदस्य, 42वां अधिवेशन दिवस पर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष श्री बाबा गुरुजी के आदेशानुसार कोविड 19 को देखते हुए हर जिले में 2 फरवरी को मनाने का
कार्यक्रम किया गया है और हम लोगों का कल जो झारखंड दिवस देवघर में होगा वो ऐतिहासिक होगा और हम लोगों के बीचों में जो भी है जितने कार्यकर्ता हैं उनको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। जय झारखंड हेडक्वार्टर में मना रहे हैं, ये समारोह है और यह समारोह यह महसूस कराएगा इस शहर को, इस जिले को कि 2 फरवरी दुमका में 9 भी हुआ तो यहाँ के लोगों में जोश कम नहीं है। कल यहाँ तमाम कार्यकर्ता जुट रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, ढोल नगाड़े के साथ लोग आएंगे और यहाँ बैठ के हमारे लोग एक साल का सरकार जो हेमंत सरकार का सफल सरकार रहा उनके उपलब्धियों पर हम लोग चर्चा करेंगे, लोगों को बताएंगे किस तरह से कोरोना काल में झारखंड को माननीय हेमंत सोरेन ने निकाल के बाहर किया है। कल एक जश्न का माहौल है, पर्व का माहौल है, युवा मोर्चा का अलग काफिला होगा, महिला मोर्चा का अलग काफिला होगा, स्टूडेंट यूनियन का अलग काफिला होगा, सभी लोग अपने अपने काफिले के साथ आएंगे और एकदम बाजे गाजे के साथ आएंगे और यहाँ का समा कल का आप देखेंगे तो काफ़ी आपको सुकून महसूस होगा और उत्साह महसूस होगा। नाम बताइए भैया। संजय कुमार शर्मा, जिला सचिव, झारखंड मुक्ति मोर्चा, देवघर। 25 जनवरी को हुआ था जिसमें केंद्रीय कार्यालय से ये आदेश हुआ कि इस बार कोविड के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा का एकीकृत सम्मेलन जो दुमका में होता था वह दुमका में नहीं होके संथाल परगना के सभी 6 जिलों में मनाया जाएगा। उसके लिए जो है देवघर जिला भी अपना स्थापना दिवस इस बार मना रहा है और इसके लिए जो है सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहां पर जो है जी जान लगाकर लगे हुए हैं। पूरे शहर को जो है पोस्टर बैनर से सजा दिया गया है। देवघर की जनता से भी एक प्रकार से हम लोगों ने विनम्र निवेदन किया है कि इस तरह के कार्यक्रम जो कि स्थापना दिवस झारखंड मुक्ति मोर्चा का आर्मित्रा कंपाउंड में हो रहा है वो इसमें आवे, उन लोगों का भी अभिनंदन है। जय झारखंड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।